बस इश्क मोहब्बत दिल्ली है मेरी जान। मतलब आज 20 दिसंबर के दिन पहला फॉग, मतलब जो इतना ज्यादा घना फॉग है, अभी तो इससे ज्यादा भी होना है, बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है दिल्ली में फॉग तो। लेकिन ये जो फीलिंग है ये दिल्ली वाली समझ सकते हैं, बहुत लोगों को परेशान भी करती है। और लेकिन ठंड तो ऑफ कोर्स बढ़ चुकी है, पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे और ठंड और कोहरा होना शुरू हो जाएगा। तो भाई साहब, कोई देखा दिखाया ज्ञान नहीं है, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। और मैं दो नावों में बैलेंस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। मतलब चाहे वो आपने किसी दिन जंक खाया तो हेल्दी खा लिया, बहुत ज़्यादा लेट सोए तो ज़्यादा सो लिया, हर चीज़ में बैलेंस। वैसे ही रिलेशनशिप में बैलेंस और रिश्तेदारी में बैलेंस और अपनी टाइमिंग अपने डेट्स में बैलेंस। मतलब समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो आपके लुढ़कने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये कौन सी दिल्ली है, यहाँ तो और भी ज़्यादा फॉग हो रखा है। जैसे जैसे आगे गाड़ी जा रही है वैसे वैसे थोड़ा फॉग कटता हुआ चला जाता है, अदरवाइज ज़्यादा डीप देखता हूँ तो लगता है कि बहुत ज़्यादा फॉग है। एनीवे, फॉग तो अभी और भी बढ़ेगा, चलते हैं काम पर और अपने ज्ञान का वक्त हो गया है, ज्ञान में लग जाते हैं और अपनी पावर को बढ़ाते हैं। भाई साहब, ये कौन सी गाड़ी है, मुझे तो पहचान भी नहीं आ रही। ओ माय, रोल्स रॉयस। तो भाई साहब ये है रोल्स रॉयस, ये देखो क्या गाड़ी है, जबरदस्त। तो वो कहते हैं ना कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है, आई थिंक वो चीज़ मेरे साथ ही सही हो रही है। और मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपको इंटरेस्ट की होती हैं। जैसे बड़ा वियर्ड सा इंटरेस्ट है मेरा जो कि 2009 से है, जिस टाइम पर YouTube, Facebook ये सब शायद होंगे भी नहीं, और YouTube था भी तो इतना इम्पॉर्टेंट या फिर इतना ज़्यादा पता नहीं था लोगों को। मैं उस टाइम से एडिट कर रहा हूँ और आज की डेट में ये एडिट कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉग प्लस ऑफिस के वीडियोज एडिट कर रहा हूँ। आज ऑफिस में शूट किया हम अपने मोबाइल पे ही, वो भी एडिट करना है। तो मतलब लग रहा है कि लाइफ में एडिटिंग बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छी बात यह कि एडिटिंग मुझे अच्छी लगती है, बट कई बार ऐसा लगता है कि बैंडविड्थ भी तो होना चाहिए ना कुछ भी करने के लिए। एक और कॉल आया मुझे जिससे कि बड़ा चेंज हो सकता है। अब वो देखना वही है कि वो चेंज क्या रंग लाएगा, क्योंकि कुछ चेंजेस आने वाले हैं जिसके बारे में खुलासा धीरे धीरे करूँगा। इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन इस कॉल के बारे में आगे चल के व्लॉग में बात करेंगे। फिलहाल घर वापसी हो रही है, आप देख ही सकते हैं, घर चलते हैं और देखते हैं। मेरी चाय जिसके बिना अधूरी है, फिलहाल मैं उसको लेने जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। सर्दी हो या गर्मी, ये ज़रूरी चाहिए मुझे चाय के साथ। चलो मिलते हैं शॉप वाले से। सौदे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें DD दिया, धन्यवाद। ज़रूरी काम हो गया। चाय बिना चैन कहाँ रे। डिनर का टाइम और आ गई है गर्मा गर्म निमोना, वाव, और ये अरहर की दाल। सो गाइस, नो रोटी नो राइस, जल्दी से इसको खा लेते हैं। Say what you wanna say to me now.